नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज मैं टॉपिक लेके आया हूँ सिरोसिस परमानेंट क्योर, कि कैसे हमने सिरोसिस जो बीमारी है इससे कैसे हमने निजात पानी है। इसके लिए जब भी आप सर्च करने जाओगे तो आपको बहुत सारे आयुर्वेदिक इलाज मिलेंगे, और देखा ये भी गया है कि मेडिकली भी बहुत चैलेंज करते हैं कि ये हम परमानेंट क्योर कर देंगे, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। और प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो हर जगह इसका आयुर्वेदिक इलाज है, कोई 3 महीने आपको दवाई खानी पड़ेगी, फिर उसके बाद वो ठीक हो ना हो इसकी कोई गारंटी नहीं रहती। एलोपैथी में आपका कुछ टाइम के लिए ये ठीक हो जाएगी, उसके बाद ये बीमारी फिर बढ़ सकती है। तो मैं आज आपके लिए आज इसी विषय पे, आज सिरोसिस जो हमारी प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है स्किन की, इस पे आज एक विशेष वीडियो लेके आया हूँ, ऑडियो लेके आया हूँ, जिसके दौरान मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये बीमारी क्योर हो सकती है और परमानेंट क्योर हो सकती है। तो आप मेरे चैनल को लाइक इन करना ना भूलें, और सब्सक्राइब भी कर दें, और बेल को भी प्रेस कर लें ताकि आपको हर एक वीडियो मिलता रहे आने वाले जो भी मेरे वीडियो हैं। और इस बार मैं थोड़ा डिफरेंट टॉपिक लेके आया हूँ, ये सिरोसिस जो है इसका मैं आपको परमानेंट सोल्यूशन बताता हूँ। आपको करना क्या है कि सबसे पहले आपको नीम की पत्तियाँ लेनी हैं, उनको आपने उनका जूस बना लेना है। नीम की पत्तियों का आपने जूस बनाना है, चाहे उसको बॉईल करके वाटर में बना लीजिए, तो वो आपने तैयार करके एक रेफ्रिजरेटर में रख लेना है, और उसका 3 टाइम सेवन करना है। तीनों टाइम खाने से पहले पहले आपने सुबह उठते ही एक गिलास के आसपास लेना है, उसके बाद दिन को आपने आधा गिलास पीना है, और रात के खाने से पहले आधे गिलास का भी आधा पीना है आपने। तो ये तीन बार अगर दिन में आप इस जूस को ले लेते हैं, और आप ये ट्रीटमेंट, इसके अलावा आपने कोई दवाई नहीं लेनी है, कोई कुछ नहीं करना है, और सिर्फ आपने वेट करना है, आपने वेट करना है 1-1.5 महीने के बाद आपको खुद ही क्लियर हो जाएगा कि आपकी स्किन की प्रॉब्लम ख़त्म हो रही है या नहीं हो रही। ये आपको रिजल्ट्स आने शुरू हो जाएंगे, और इसके अलावा आपकी बॉडी ज़्यादा पानी कंज्यूम करेगी, आपको पानी अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पानी पीना है। लेकिन सुबह जब आप 1 गिलास पानी लोगे, उसके 1 घंटे के बाद आपने 2-3 गिलास पानी पीना है, उसके बाद ब्रेकफास्ट करनी है। दिन को भी आपने खाने के बाद भी पानी कभी भी नहीं पीना है, जब भी पीना है खाने से पहले पीना है, और जब आपने ये लेना है जूस, इसके 1 घंटे बाद पानी लेना है, उसके बाद खाना खाना है। तीन टाइम अगर आप ऐसा कर लेते हैं, 1-1.5 महीने के अंदर आपको रिजल्ट आना शुरू हो जाएंगे। और क्रीम इस पर कोई काम करती नहीं है, एक बिटनोवेट करके क्रीम आती है वो आप लगा सकते हैं, दूसरी विक्स जो क्रीम आती है, विक्स बाम जो हम मेडिकल स्टोर से मिलती है, वो दोनों क्रीमों के अलावा कोई क्रीम आप पे काम नहीं करेगी। ये 2 क्रीमें आप मिक्स करके भी यूज़ कर सकते हैं, अलग अलग भी कर सकते हैं। एक्सटर्नली आपको क्रीम के साथ ट्रीटेड करना है, और इंटरनली आपको 3 टाइम ये जूस लेना है, और इक्वल क्वांटिटी में नहीं लेना है। सुबह ज़्यादा लेना है, दिन को आधा लेना है, रात को उससे आधा लेना है। तो इससे क्या होगा कि जो हमारा ब्लड है, ब्लड के कारण ही हमें ये बीमारियां हो रही है। हमारा ब्लड पूरी तरह प्योरीफाई नहीं होता, हम साफ़ी पीते हैं, हम और बड़ी दवाइयां पीते हैं जिससे हमारा ब्लड साफ़ हो जाए, लेकिन अमेरिका ने भी ये माना है कि इससे बड़ी औषधि कोई नहीं है। और नीम के पत्ते अगर आप उसका जूस बना के 3 टाइम लेंगे, एक तो आपकी बॉडी डीऑक्सीडाइज हो जाएगी, दूसरा नंबर आपका इम्यूनिटी इम्प्रूव होगी जिसके कारण आपको ये बीमारी हो रही है। और इम्यूनिटी इम्प्रूव तभी होती है जब आपकी इम्प्रूव तभी होती है जब उसको एक ठंडक मिले, और नीम के पानी का सबसे बड़ा फ़ायदा रहेगा, आपकी इम्यूनिटी एकदम ठंडी हो जाएगी। और आजकल गर्मियों का सीज़न है, आप इसको ज़रूर लें, और इसका 3 टाइम लेंगे, आपकी इम्यूनिटी प्रॉपर हो जाएगी और वो अपनी जगह पे आ जाएगी। अंदर से जो गर्मी है, पित्त में गर्मी होने के कारण ये प्रॉब्लम होती है, और इसके अलावा ब्लड प्योरीफाई ना हो तब ये प्रॉब्लम होती है। तीसरी प्रॉब्लम होती है कि अगर आपकी इसमें स्ट्रेस भी बढ़ जाती है माइंड की, तो वो स्ट्रेस भी जो होती है वो इसी इम्यूनिटी की वजह से ही आती है, ऑटो इम्यूनिटी हमारी आउट ऑफ ऑर्डर हो जाती है। तो इसको ऑर्डर में लाने के लिए आपने ये सेवन करना है, और 1.5 महीने के बाद आप खुद ही मुझे बताओगे, इसी में कमेंट करके खुद बताओगे कि हाँ हमें फ़र्क पड़ रहा है, हम इससे ठीक हुए हैं। तो ये वीडियो जो है मैक्सिमम शेयर करें, और हर घर में पहुँचाएँ, और इसको सब्सक्राइब कर जरूर करें। थैंक्स फ्रेंड्स।